दोस्तों ये पाए देखें, इतने फ्रेश किस्म के पाए यहाँ पे पड़े हुए हैं। भैया किस तरीके से ये जो शोरबा है ना ये डाल रहे हैं इसके ऊपर, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों यकीन है आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा, ये पूरा प्रोसेस देख के ये पाए चेक करें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत है। वाह जी वाह। दोस्तों ये देखिए जितने पाए पड़े हैं उनको नहला दिया शोरबे के साथ, और जो इसके बाद ये जो मज़ेदार किस्म के बन गए हैं ना, इनको खा के यकीन आपको मज़ा आ जाता होगा। भजन क्या निकालने लगे हैं आप? वाह 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 वाह, ये क्या चीज़ है, खद आगे भी, क्या बात है। दोस्तों इसको बोलते थे खद, क्या साफ सुथरी खाद है और क्या अच्छी कुक हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों देखिए आपके भाई की एफर्ट होती है कि आपके साथ जो मज़े मज़े के टेस्टी खाने हैं वो लाजमी शेयर करूँ, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये मज़े मज़े के खाने आप कैसे खा सकते हैं, कहाँ से खा सकते हैं, किस वक्त खा सकते हैं। वाह 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 वाह, दोस्तों कमाल हो गई, क्या मज़ा आ रहा है। वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसकी भी पैकिंग हो रही है? वाह वाह वाह, दोस्तों ये पैकिंग ही हो रही है, खूबसूरत खूबसूरत। वाह 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 वाह, और शोरबा डालेंगे भैया, क्या बात है। ये भी शोरबा, ये तरी है, ये क्या है? ये भी शोरबा डाल रहे हैं, उसके बाद और शोरबा डाल रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा है, पूरा प्रोसेस देख के मुँह में मेरे भी बहुत पानी आ रहा है कि दिल कर रहा है कि फ़ौरन खाया जाए इसको। दोस्तों बड़ा मज़ेदार किस्म का मगज़ लग रहा है, और यकीनन जब आप इसको खाएंगे तो आपको मज़ा यकीनन आ जाएगा। दोस्तों ये आज हमारे में शीदा सिरी पाए वाले जो हैं उनकी शॉप के ऊपर ग्वाल मंडी के अंदर, और जो यहाँ पर शुरुआत हो रही है देखें छुरी के साथ ये मगज़ को अंदर से निकाल रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, क्या बात है। दोस्तों इसको बोलते हैं भीजा भी बोलते हैं बहुत से लोग कि वाह वाह वाह, ले जी ये निकलना शुरू हो गया जी इसके अंदर से मगज़, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। ओहो दोस्तों बड़ी तादाद में इसके अंदर मगज़ था, ये खाली हो गए, अब इसमें शोरबा डालेंगे आप, क्या बात है। दोस्तों ये मगज़ के ऊपर डालेंगे अब शोरबा, और साथ होंगे तिलों वाले कुलचे, और जब आप खाएंगे तो आपको यकीनन मज़ा आ जाएगा। अब ये बच्चा इसको लेके जा रहा है वो भाई के पास, मगज़ उन्होंने खाली किया है, अब इसके अंदर डालेंगे शोरबा, गर्मा गर्म तिलों वाले कुलचे भी यहाँ पर आ गए हैं। कुलचे आ गए जी, ये गर्मा गर्म मगज़ के अंदर, ये देखें ये शोरबा डाले हैं भैया, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों यकीन है आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, ये पूरा प्रोसेस देख के, बड़ा फ्रेश किस्म का मगज़ और शोरबा भी बड़ा फ्रेश किस्म का है, और बड़ा नाम है ग्वाल मंडी में ये जो शीदा सिरी पाए वाले हैं इनका। तो आज हम आ गए हैं रोज़ों के अंदर, इनकी जो टाइमिंग है आपके साथ शेयर करने के लिए कि कितने बजे यहाँ पर आते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देखें गर्म मसाला डाला है इसके ऊपर, क्या बात, इसका तो चस्का और हो गया। दोस्तों तो जी भैया आ गया आपका भाई मानिया, मज़े मज़े के खाने की वीडियो लेके आपके लिए। दोस्तों आपका भाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं अंदरून शहर की सैर की, और इफ्तारियाँ के जो अंदरून शहर के रहायशी हैं वो किस तरीके से सैरियाँ करते हैं और किस तरीके से इफ्तारियाँ करते हैं। दोस्तों अंदरून शहर के अंदर बहुत से मशहूर फूड पॉइंट है, खाने के पॉइंट है, जो आपको आलमोस्ट मॉर्निंग के टाइम यहाँ पर अवेलेबल होते हैं खाने। इसमें सिरी होती है, पाए होते हैं, बोंग होती है, खदे होती हैं, चने होते हैं। दोस्तों आपके साथ में सारे वो फूड पॉइंट की टाइमिंग, उनकी रूटीन क्या है रोज़ों के अंदर, वो रोज़ों के अंदर ही आपको मज़े मज़े के खाने किस टाइम मिल सकते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पे आ गए हैं शीदा सिरी पाए वाले के पास ग्वाल मंडी चौक के अंदर। तो दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखिएगा, यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वी प्रमोट कल्चर थ्रू फूड। चस्का जहाँ पर नज़र आ जाए, जैसे इस किस्म के पाए नज़र आ जाए और 7 किलो वाले कुलचे नज़र आ जाए, तो जो लाहौरी है ना फिर बाज नहीं आते। दोस्तों ये किसी दौर में ये फूड स्ट्रीट हुआ करती थी, ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट, बड़ी मज़ेदार किस्म की जो ज़ुबान है ना उसको प्याले के अंदर डाल दिया गया है। अब ये प्रोसेस शुरू होने लगा, ये पैकिंग होगी इसकी सर, ये देखें दोस्तों ये पैकिंग हो रही है इसकी, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों ये देखें मज़ेदार किस्म के, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों ये जो जो शोरबा है ना, ये वो चिपकू शोरबा लग रहा है मुझे, जो आप जब खाते हैं तो आपकी उंगलियाँ जो चिपक जाती हैं, कि ये बनता बड़े अच्छे तरीके से है माशाल्लाह। दोस्तों अमूमन जो शहर के अंदर जो लोग हैं वो इफ्तारी के बाद, कुछ लोग तो यहाँ पे आके बैठ के खाना खाते हैं,
कुछ लोग घरों के लिए भी पैक करवा के लेके जाते हैं। इस वक्त इसकी पैकिंग हो रही है तो ये देखें पूरा। और इसकी खास तौर पर माहौल जो है ना वो बड़ा अच्छा है। माहौल दोस्तों खाने, जब आप खाना कहीं खाने जाते हैं तो माहौल बड़ा काउंट करता है। माहौल जो है वो खाने के मज़े को बिल्कुल दुबला कर देता है। तो यहाँ का जो ग्वाल मंडी का माहौल है आपको पता ही है, तो बिल्कुल एक कल्चरल जगह है, तारीखी जगह है। तो दीघा देखें क्या सजा हुआ है और बड़ा अच्छा कुक हुआ है ये सारा कुछ। दोस्तों आज यहाँ पे आए हैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए और आपके साथ ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि रोज़ों से पहले तो आप यहाँ पे ये खाने के लिए आते हैं, इनकी टाइमिंग मॉर्निंग की होती है और रोज़ों में इनकी टाइमिंग क्या होती है, इनसे भी बात करेंगे कि रोज़ों में कितने बजे यहाँ पर लगाते हैं और क्या टाइम यहाँ पर होता है। और यहाँ पर पाए हैं, मगज़ है, खदे हैं, नली भी है, जुबान है और दोस्तों साथ गर्मा गर्म तेलों वाले कुलचे इनके पास होते हैं। तो आज ये पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर जो अंदरून शहर का कल्चर है ना दोस्तों, वो किसी बड़े से बड़े पॉश एरिया में भी ऐसा कल्चर आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि जो लाहौरी है ना वो खाने पीने के शौकीन है, आपको तो बताइए। और ये देखें जो भैया किस तरीके से ये जो शोरबा है ना ये डाल रहे हैं इसके ऊपर, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। यकीन आपके मुँह में पानी भी आ रहा होगा ये पूरा प्रोसेस देख के। ये पाइप चेक करें माशाल्लाह कितने खूबसूरत है, वाह जी वाह। ये यहाँ पे मगज का दिया बंद होने लगा, ये निकालने लगे उसको, ये धागे लपेटे हुए इसके ऊपर दोस्तों, ये मगज के ऊपर धागे लपेटे हुए। अभी मगज को खाली करेंगे इसके अंदर से, वाह जी वाह वाह। दोस्तों पूरा प्रोसेस है मज़े मज़े का, जो मगज आप खाते हैं शोरबे में डबो के तिलों वाले कुलचे के साथ, तो उसको खाना भी आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इसकी तैयारी में, उसकी मेकिंग में बड़ा वक्त लगता है। ये देखें किस तरीके से धागों में लपेटा हुआ था, धागे उतार दिए गए हैं इसके ऊपर से और अब ये छुरी के साथ कुछ करने लगे हैं। कितना साल हो गए इस काम को करते हुए यहाँ पे? मुझे 40-50 साल हो गए। 40-50 साल हो गए ग्वाल मंडी में? हाँ, ग्वाल। अच्छा, लोग तो बड़ी दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। खास चीज क्या होती है, क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? बस मगज पाया, खाजा जमान, बस और क्या। 7 दिनों वाले कुलचे हैं, खदे, क्या बात है। बिल्कुल। रोजों में क्या टाइमिंग है आपकी? इफ्तारी वाले बैठते हैं। अच्छा, जब खत्म हो जाए फिर। अच्छा दोस्तों ये देखें, ये एंट्रेंस है फूड स्ट्रीट की। अगर आप फूड स्ट्रीट से एंटर होते हैं तो एंटर होते ही ये साथ ही जो है ना ये इनकी शॉप है, बड़ी मज़ेदार किस्म का पाए और बड़ा मज़ा आ रहा है इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे देख के। दोस्तों ये देखें तो दोस्तों आपके भाई ने आपके साथ शेयर की सीधा सीधी पाए हुए लिखी वीडियो, रमज़ान के अंदर क्या टाइमिंग है इनकी आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी मज़े मज़े की मजीद वीडियोस देखने के लिए अपने भाई मानिया का चैनल मानिया के दोनों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा, क्योंकि वी प्रमोट कल्चर थ्रू फूड।